ना आ जाए, और अगर कुछ प्रॉब्लम है वो इन्वेस्टिगेट कर। तो केयर, सेल्फ केयर, तो बाबा दो बातें हैं इसमें कि आत्मा में भूल हो गई, भूल मिस्टेक और वीकनेस। तो मिस्टेक्स करते हैं और वीकनेस अर्थात वो आत्मा कमजोर है, तो भूल करते करते कमजोरी वीक वीक हो जाती है, या वीक है इसलिए भूल होती है। दोनों बातें हैं ना। और अच्छा ठीक है, वीक अगर है वो है, पर एटलीस्ट भूल तो नहीं करे जो और वीक हो जाए। तो इसकी बहुत अच्छी गहराई बाबा ने बताई है। चलो बाबा के शब्दों में सुनेंगे। 11 साथ मीठे बच्चे, सुन अवस्था अर्थात अशरीरी बनने का अभी समय है। इसी अवस्था में रहने का अभ्यास करो। अशरीरी बनने का समय मतलब सुन अवस्था, वैसे सुन अवस्था वेदांत के हिसाब से ब्लैंक सुन, तो सुन अवस्था रिकमेंडेड नहीं है, ब्लैंक हो गए। लेकिन लेकिन सुन अवस्था ये 7 भूमिका है ना, तो इसमें 5वीं भूमिका में बोलते हैं कि सुन हो जाती है आत्मा, कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन एक्चुअली सुन हो गई, पता तो नहीं चला, पर उसमें सुख की अनुभूति होना। तो बाबा हमको अशरीरी बनाता है, शरीर के भान से परे। सुन अवस्था कभी कभी जो वेदांत के लैंग्वेज में है, अगर उसमें थोड़ा कोई डिस्टर्ब कर देता है तो ब्रेन में असर हो जाता है। ऐसे है हमारे कांटेक्ट में, और जीवन भर के लिए वो थोड़ा वो इफेक्ट हो गया। तो एक तरह से कुछ एक ना पागलपन, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर नर्व इफेक्ट हो गया। बाबा हमको अशरीरी अवस्था सिखाते, तो अशरीरी अवस्था अर्थात एकदम डीप ब्लैंक है यहाँ की बातों से, लेकिन बेहोश नहीं है। अगर कुछ ऐसे हिलाया मुझे, कुछ ऐसे करा, तो होश में आएंगे, और वो भी हर्ष हर्ष की अवस्था, नहीं तो वहां डिस्टरबेंस हो जाती है ना, इसलिए वो कहते विक्षेप। विक्षेप हो गया मतलब मुझे डिस्टर्ब कर दिया तुमने हिला के, तो वो डिस्टरबेंस आ गई। तो हमारा हिलाना डिस्टरबेंस नहीं है, क्योंकि वो स्नेह की अवस्था है। आत्मा भरपूर होती है, तो जो भरपूर होगा वो जब निकलेगा भी बाहर तो कैसे निकलेगा, खुशी खुशी। तो हमारे योग के स्टेज में क्रोध नहीं आता है कि डिस्टर्ब किया तो बहुत गुस्सा आया। इसलिए बाबा कहते सुन अवस्था अर्थात अशरीरी बनने का भी समय है, इसी अवस्था में रहने का अभ्यास करो। अशरीरी। अच्छा प्रश्न है, सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है और उसकी प्राप्ति कैसे होगी? पिछले थर्सडे को भी बाबा ने इसी पर फोकस किया, और आज भी वापस फोकस कर, क्या था अगर याद है? डेट वाइज नहीं याद होता है ना, तो डे वाइज भी याद हो सकता है। पिछले थर्सडे कौन था? सिविलाइज बनना, सिविलाइज्ड, सिविल का था ना पूरा। हाँ वापस आज बाबा फोकस कर रहे हैं, संपूर्ण सिविलाइज्ड बनना, यही ऊंची मंजिल है। कर्मेंद्रियों में जरा भी चलायमानी ना आए, तब संपूर्ण सिविलाइज्ड बने। जब ऐसी अवस्था हो तब विश्व की बादशाही मिल सकती।
कर्मेंद्रियों में जरा भी चलाई मानी नो, सेंस ऑर्गन्स में कुछ देखा किया, मन चला, मन चला, मन डिस्टर्ब हुआ, वो तो बहुत कंप्लीट नेगेटिव स्टेज है। बाबा कहते चलाए मानी ना है। गायन भी है, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर, अर्थात राजाओं का राजा बने नहीं तो प्रजा, गिरे तो चकनाचूर मतलब नहीं तो प्रजा, अगर चढ़ गया तो ये स्टेज है। अब जांच करो मेरी वृत्ति कैसी है, कोई भी भूल तो नहीं होती है। ओम शांति। आत्मअभिमानियों बैठना है, बाप बच्चों को समझाते कि अपने को आत्मा समझो। अब बाबा ऑलराउंडर से पूछते हैं, ऑलराउंडर दादी से, सत्युग में आत्मअभिमानी होते हैं या देह अभिमानी? वहां तो ऑटोमेटिकली आत्मअभिमानी रहते हैं, घड़ी घड़ी याद करने की दरकार ही नहीं रहती, मैं आत्मा हूं मैं आत्मा हूं। हाँ वहां यह समझते हैं, देखो आत्मअभिमानी स्टेज कैसा होता है कि अब यह शरीर बड़ा हुआ, अब इसको छोड़ दूसरा नया लेना है, मैं बड़ा हुआ नहीं, ये शरीर बड़ा हो गया, बुजुर्ग हो गया। ये वन ऑफ द प्रूफ कि कितना आत्मअभिमानी स्टेज प्रैक्टिस किया। मेरा नाम ये है नहीं, हम क्या इंट्रोडक्शन देते हैं, अगर कोई बीके अगर ये इंट्रोडक्शन देना, मेरा नाम ये है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कोई कहे, शरीर का नाम, यह शरीर का नाम, इस शरीर का नाम, मेरा शरीर का नाम नहीं, मैं आत्मा हूं, अभी ये शरीर है। बाबा कहते हैं ये वाली फीलिंग तो, हाँ ये समझते हैं कि ये शरीर बड़ा हुआ, अब इसको छोड़ दूसरा नया लेना है, जैसे सर्प का मिसाल है वैसे आत्मा भी ये पुराना शरीर छोड़ नया लेती है। भगवान मिसाल दे समझाते, तुम्हें सभी मनुष्यों को ज्ञान की भू भू कर आप समान ज्ञानवान बनाना है, जिसे परिस्थानी निर्विकारी देवता बन जाए, ऊंचते ऊंच पढ़ाई है मनुष्य से देवता बनाना, गायन भी है ना, देख हाईएस्ट स्टडी है मनुष्य से देवता बनाना, कैरेक्टर बिल्डिंग हाईएस्ट स्टडी है, जो स्टडी का सब जगह यूज, जैसे आजकल कहते हैं ना कंप्यूटर लिटरेसी मस्ट है भाई, कुछ भी करो मतलब मोबाइल भी क्या है, सॉर्ट ऑफ मिनी कंप्यूटर ही है, तो इसी तरह कैरेक्टर जो सब जगह यूज होता है वो तो मस्ट है। आज एक लाइन में भी खड़े हैं उसके लिए भी एक कैरेक्टर चाहिए, क्रोध करके एक बड़ा डीजी है लेवल का, एयरपोर्ट में एंट्री कर रहे थे तो मांग लिया उसने, ऑब्वियसली मांगेगा वो गार्ड तो ना, आई कार्ड उसको आया, मुझे बोल रहे मैं मेरा रैंक, चार पांच झाड़ दिया उसको, जोर जोर से बोल दिया, वो तो फिर भी नहीं जाने, भाई यहाँ तो है, उसके साथ उसकी वाइफ भी ज्वाइन कर लिया ठीक। तो कहने का बाद में तो फिर ये वो शिवानी बनी एग्जाम्पल देती है, उसके बाद तो फिर बाद में बात हुई तो उसको फील तो हुआ कि मतलब कैरेक्टर नहीं है ना, रैंक अच्छा है, सुख नहीं ले सकते ना उस रैंक का, वहां झगड़ा करने की क्या जरूरत थी, दिखा देता बस, इतनी सी बात थी ना। बाबा कहते हैं सबसे ऊंचा ज्ञान है मनुष्य को देवता बनाना, ऊंचते ऊंच पढ़ाई है, गायन भी है ना, मनुष्य को देवता के करत न लागी वार, किसने किया? देवताओं ने नहीं किया, भगवान ही मनुष्य को देवता बनाते हैं, मनुष्य इन बातों को जानते ही नहीं है, तुमसे सब जगह पूछते हैं आपकी एम ऑब्जेक्ट क्या है, तो क्यों नहीं है? एम ऑब्जेक्ट के लिखत का छोटा पर्चा छपा हुआ हो, एम एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन या एम एंड, जो कोई भी पूछे तो उनको पर्चा दे दो जिससे समझ जाए। बाबा ने बहुत अच्छी रीति समझाया है,
इस समय ये कलयुगी पतित दुनिया है जिसमें महान अपरम अपार दुख है। अब हम मनुष्य को सतयुगी पावन महान सुखधाम में ले जाने की सर्विस कर रहे हैं, वह रास्ता बताते हैं। ऐसे नहीं कि हम अद्वैत नॉलेज देते हैं, वे लोग शास्त्रों की नॉलेज को अद्वैत नॉलेज समझते हैं। वास्तव में वह कोई अद्वैत नॉलेज है नहीं, अद्वैत नॉलेज लिखना भी रॉन्ग है। मनुष्य को क्लियर कर बताना है, ऐसी लिखत छपी हुई हो जो झट समझ जाए कि इनों का उद्देश्य क्या है। हमारे है पूरा एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, वो इनों का उद्देश्य क्या है, क्या बोलेंगे, आखिर भी आप लोगों का मेन पर्पस क्या है, क्या बताएंगे देवता मनुष्य से बनने, देव देवता ही गुणों को धारण करना। सिंपल वैल्यू एजुकेशन हमारा फोकस, अगर उसको ऐसे लैंग्वेज में। बाकी कैरेक्टर बिल्डिंग, हमारा कैरेक्टर पर पूरा फोकस होता है। दीदी अद्वैत नॉलेज में यहाँ क्या आएगा? हाँ, वो थोड़ा उनको समझ में भी नहीं आएगा ना, देवता है कौन, किसे के। कभी कभी देवता की छवि भी थोड़ी ऐसी नेगेटिव बनी हुई है लोगों के मन में, है ये भी है। तो बाबा कहते हैं, कलयुगी पतित भ्रष्टाचारी मनुष्य को हम अपार दुखों से निकाल सतयुगी पवित्र श्रेष्ठाचारी अपार सुखों की दुनिया में ले जाते। बाबा ये ऐसे निबंध बच्चों को देते हैं, तो ऐसे क्लियर कर लिखना है। सब जगह ऐसी तुम्हारी लिखत रखी हो, झट व निकाल कर दे देनी चाहिए। जो सम तो समझे हम तो दुखधाम में है, गंध में पड़े हैं। मनुष्य कोई समझते थोड़ी है कि हम कलयुगी पतित दुखधाम के मनुष्य है, वो यह हमको अपार सुखों में ले जाते हैं। तो ऐसा एक अच्छा पर्चा बनाना है, अपार दुखों से हम अपार सुखों में ले जाते। जैसे बाबा ने भी छपाया था, सत्युगी हो या कलयुगी, परंतु मनुष्य समझते ही थोड़े हैं, रत्नों को भी पत्थर समझ फेंक देते हैं। यह है ज्ञान रत्न, वह समझते शास्त्रों में रत्न है। तुम क्लियर कर ऐसा बोलो जो समझे, यहां तो अपार दुख है, तो कैसे समझाए कि यहाँ अपार दुख है। वो तो सोचते हैं ना बहुत एडवांस हो गई है, बहुत एमिनिटीज है, फैसिलिटीज है, अपार सुख है। फील करा सकते हैं अपार दुख है अगर संकल्पों में ऑलवेज दर्द चल रहा है, कंपैरिजन, जेलेसी, मतलब अपार दुख है, सिर्फ संकल्पों में है, कुछ नहीं, और मतलब अपार है। भले अगर संकल्पों में नहीं है, फिजिकल है तो भी सुख है, लेकिन अगर संकल्पों में, तो बाबा कहते हैं तो अच्छा फिर क्या करें, दुखों की भी लिस्ट हो दुख की लिस्ट हो, कम से कम कितने मिल जाएंगे दुखों की लिस्ट, 101 तो जरूर हो। इस दुखधाम में अपार दुख है, ये सब लिखो, सारी लिस्ट निकालो। दूसरे तरफ फिर अपार सुख, वहां दुख का नाम ही नहीं होता। हम वह राज्य अथवा सुखधाम स्थापन कर रहे हैं। अपार दुख में मुझे किसी के लिए वेट करना पड़ा, हाँ अपार दुख में आएगा या सुख में आएगा, सुख में तो नहीं है तो दुख में बहुत वेट करना पड़ा, इतनी देर हो गई, दुख। तो अब दुखों की लिस्ट कितने निकल सकती अपार दुख। दूसरी तरफ फिर अपार सुख, वहां दुख का नाम ही नहीं होता। हम वह राज्य अथवा सुखधाम स्थापन कर रहे हैं जो झट मनुष्यों का मुख बंद हो जाए। ये कोई समझते थोड़ी ही है कि इस समय दुखधाम है, इसको तो वह स्वर्ग समझ बैठे हैं। बड़े बड़े महल, नए नए मंदिर आदि बनाते रहते, ये थोड़ी जानते कि ये सब खत्म हो जाने हैं। पैसे तो उनों को बहुत मिलते हैं रिश्वत के। बाप ने समझाया ये सब है माया का, साइंस का घमंड।
मोटर, एरोप्लेन आदि, ये सब माया का शो है। ये भी कायदा है, जब बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं, ये कायदा है, तो माया भी अपना भपका दिखाती है। इसको कहा जाता है माया का पॉम्प। भगवान मतलब कंट्रास्ट होना चाहिए ना, वो इतना अच्छा कर रहा है तो वो भी अपना बेस्ट, तभी तो कंपटीशन होगी, तभी तो चूज करने में डिफिकल्टी होगी। नहीं तो अगर बहुत दुख हो तो तुरंत आ जाए ना बाबा के पास। वो इक्वली बहुत पॉम्प दिखाती है। अब तुम बच्चे सारे विश्व में शांति स्थापन कर रहे हो, अगर माया की कहां प्रवेशता हो जाती है तो बच्चों को अंदर खाता है। अच्छा, जब कोई किसके नाम रूप में फंस पड़ते हैं तो बाप समझाते हैं, यह है रमेश भाई दिखाई नहीं दे रहे हो, आगे आ जाओ धीरे। जब बाबा कहते हैं अगर किसके नाम रूप में फंस पड़ते हो तो यह है, तो बाप समझाते हैं यह क्रिमिनलाइज है, किसी के भी नाम रूप में फंसना कलयुग में है क्रिमिनलाइजेशन। कहीं भी थोड़ा सा भी, हमको बताते थे ट्रेनिंग में, आप जा रहे हो, देखा कुछ अच्छी चीज, कोई व्यक्ति को पर्टिकुलर, नाम रूप तो व्यक्ति में फंसते हैं ना, और फिर वापस मुड़ के देख रहे हो मतलब कुछ इंक्लिनेशन है, ये भी नहीं। इसलिए योगी का क्या बताते, दम एक जगह फोकस होता है, यहां वहां नहीं जाता है। तो कलयुग में है क्रिमिनलाइजेशन, सत्युग में है सिविलाइजेशन। इन देवताओं के आगे सब माथा टेकते हैं, आप निर्विकारी हम विकारी। इसलिए बाप कहते हर एक अपनी अवस्था को देखे, बड़े बड़े अच्छे अच्छे महारथी अपने को अंदर देखे क्या हमारी बुद्धि किसके नाम रूप में जाती तो नहीं है। बहुत अच्छा बोलता है, बोलती है, बहुत अच्छा समझाती है, चलेगा बाबा करा रहा है, बाबा के माँ बाप के, बाबा उसके थ्रू करा रहा है। तो बाबा कहते हैं किस महारथी भी देखे, कहीं जाती तो नहीं है फलानी, बहुत अच्छी है, यह करे कुछ अंदर में आता है, ये तो बाबा जानते हैं। इस समय संपूर्ण सिविलाइज्ड कोई है नहीं, जरा भी चलायमानी न हो, बहुत मेहनत है, कोई विरले ऐसे होते हैं, जरा भी चलायमानी, इतना सा भी संकल्प न चले, कोई विरले ऐसे होते। आंखें कुछ न कुछ धोखा जरूर देखती है, ड्रामा किसकी सिविलाइज्ड जल्दी नहीं बनाएगा, खूब पुरुषार्थ कर अपनी जांच कर, कहीं भी अटकना मटकना झटक, ये सारा लटक मटक अटक। बाबा कहते हैं जरा भी चलाईमानी ना आए, बहुत मेहनत है, कैसे हो सकती है, एकदम फोकस्ड, इतनी सी भी चलाईमानी ना, कितना भी कोई कैसा भी हो सो कॉल्ड मेरे लिए अभी, पर वो आत्मा आखिर तो इम्परफेक्ट है ना। जब कोई वो ऐसी भूल करती है ना, फिर एकदम वैराग आता है। तो जब ये संकल्प क्लियर है कि हर आत्मा इम्परफेक्ट है, खाली अभी मेरा हिसाब किताब नहीं है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे ही वो कर्म बंधन के रूप में आ जाएगा ना सामने, क्योंकि इसलिए बहुत पहले बनती थी, फिर वो ना शादी भी हो गई बाद में, फिर कैसे इतना मन मुटाव कैसे हो जाता है। यो ही व्यक्ति है, सेम है, अपीयरेंस दोनों की सेम है, कर्म बंधन आ गया तब। अब वो आत्मा सुंदर चाहिए ना, शरीर की तो जरूरत ही नहीं थी। बाबा इसलिए कहते हैं ये जब संकल्प आएगा ना, हर आत्मा इम्परफेक्ट,
और टेम्पररी है हर चीज, तो भी चलाई मान्य नहीं होती है। कोई विरले ऐसे होते हैं, खूब पुरुषार्थ कर अपनी जांच करनी है, कहां हमारी आंखें धोखा तो नहीं देती है। विश्व का मालिक बनना बड़ी उच्च मंजिल है, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, अर्थात राजाओं का राजा बने, गिरे तो प्रजा में चले जाएंगे। आजकल तो कहेंगे विकारी जमाना है, भल कितने बड़े आदमी है, समझो क्वीन है, उसके उनके अंदर भी तो डर रहता होगा कि कहां कोई हमें उड़ा ना दे। हर एक मनुष्य में अशांति है, डर है, कोई कोई बच्चे तो कितने अशांति फैलाते हैं। तुम शांति स्थापन कर रहे हो तो पहले तो खुद शांति में रहो, तब दूसरे में भी वह बल भरे। इतनी पावर, एनर्जी, इनसिक्योरिटी जो डीप इनसाइड होती है ना, ये भी बाबा के बच्चों में। मेरा बाबा रक्षक है, मैंने कल भी सुनाया था क्लास में, मल्हार भाई, एक मालेगांव का भाई था, थोड़ा सा ठीक है, तो वो बहुत अच्छा डॉक्टर है और अभी है, तो बोला एक बार दीदी वो मेरी बाबा अम्मा तो बाबा किसी सेवा के लिए, सेंटर की सेवा के लिए जाना था, तो बाबा को उस दिन मतलब उसका ट्रांस का पार्ट था पहले से, जब से ज्ञान का जन्म लिया ना बाबा उसको खींचता था, अमृत वेले कभी कभी भी बाबा खींच ले, वो ऐसे बताते अपना इतना बाबा को। मैंने कहा ये मुझे संबंधों का सुख अनुभव करना है, तो बाबा ने ऐसे ऐसे किया इस तरह का। तो उस दिन सुबह बार बार संकल्प आ रहा था कि जैसे एकदम शरीर कांप रहा था कि कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है, मतलब जाना है बाद में, कुछ होने वाला है पर जाना तो है। तो फिर बाद में थोड़े समय के बाद वो जैसे अमृत वेले के बाद बाहर निकला तो एकदम ट्रेमर्स होने लगे, जैसे कोई अर्थक्वेक होता है ना, तो वैसे। तो फिर बाबा के पास गए कि बाबा क्या करूं, बाबा ने कहा बाबा साथ है, मतलब ऐसी फीलिंग आई उसको। गया और जा रहे थे तो वो जो ड्राइवर है वो आजकल वो दत्तू भाई जो मुन्नी बहन का भी ड्राइवर है तो चला रहा था, तो एक कई सारे टोल क्रॉस किए, एक टोल में तो टर्निंग कर ही रहे थे उतने में ट्रांस में गया बाबा ने, जिसे वो ऊपर से दिखाया कि एक ट्रक पीछे आ रही है और वो एकदम जैसे ऊपर से आने वाली थी और एकदम वो ऊपर छलांग लगाई और ये बच गए। और बस ये कितने सेकंड का खेल था, वतन में तो जैसे ही नीचे उतरा तो जोर जोर से आवाज आ रही थी, देखा तो बोला क्या हुआ, दत्तू भाई को बोला, बोला कि देख नहीं रहे हो इधर ये पूरा कैबिन टूटा हुआ। तो बोला, तो उसने कहा कि ये ट्रक जो है ना, पीछे एक ट्रक आ रही थी और उसने ये मतलब इसको ऐसे किया और गया, फिर बाद में लोगों ने घेरा किया। तो अब वो उसने बोला अब तो मैं चला नहीं सकता, बोला ठीक है मैं टोल क्रॉस करो फिर मैं चलाता हूँ। तो बाद में तो वो टोल क्रॉस किया और फिर चलाने लगा, बोला कि ठीक है। तो जब वो पहुंचे वहां फिर सेवा की और उसी रात वापस निकलना था, वापस आए तो उसी नाके में, तो वहां को पूछा कि ये सब क्या है, क्या हुआ, वो ट्रक ड्राइवर था वहां, और तो कहा कि इधर ना सुबह एक एक्सीडेंट हुआ था, तो फिर वो ड्राइवर को मतलब क्या हुआ था, तो वो ड्राइवर को जब पकड़ा तो उसने बोला कि मेरी उसकी ब्रेक फेल हो गई इसलिए वो गाड़ी, और वो ब्रेक फेल हो गई और मेरी सामने वो कार थी, बोले सफेद कलर की कार थी और अब उसके ऊपर पूरा जाना ही था क्योंकि ब्रेक फेल हो गई। बोला उसी समय ड्राइवर ने बहुत मजेदार
जैसे ही मैं नहीं कुछ कर सका तो पता नहीं कौन आया और मेरी स्टीयरिंग को बहुत जोर से हिला दिया और उस तरफ वो चली गई जो ऊपर जाने थी, और वो खाली इधर आके रुका। तो अगर वो ट्रक जाती तो उनकी डेड बॉडी भी निकल नहीं पाती, इतनी पावरफुल वो मारू, वो इस तरह छोटी गाड़ी, जैसे कहते हैं ना भगवान जिसका रक्षक है, प्रधानमंत्री की भी रक्षा भगवान जब रक्षा करता है तो बाबा इसलिए कहते हैं इनसिक्योरिटी ब्राह्मण बच्चों में अब से चली जानी चाहिए। इतना फील हो अगर बाबा शरीर ले भी ले चलो तो भी बाबा को मेरे से बहुत सेवा करानी, कुछ जरूर अच्छा। तो बाबा कहते हैं कि भल कितने भी बड़े आदमी हैं लेकिन उनके अंदर डर रहता है कहीं कुछ हो ना जाए। तुम शांति स्थापन कर रहे हो तो पहले तो खुद शांति में रहो, तब दूसरे में भी वह बल भरे। वहां तो बड़ा शांति का राज्य चलता है, आंखें सिविल बन जाती है। तो बाप कहते अपनी जांच करो, आज मुझ आत्मा की वृत्ति कैसे रही, इसमें बहुत मेहनत है, अपनी संभाल रखनी है। बेहद के बाप को भी सच कभी नहीं बताते, कदम कदम पर भूले होती रहती है। थोड़ा भी उस क्रिमिनल दृष्टि से देखा, भूल हुई किसी को भी क्रिमिनल दृष्टि से देखा फौरन नोट करो। 10-20 भूले तो रोज करते ही होंगे, जब तक अभूल बने। देखो भूल किसको कहते हैं, मिस्टेक्स, धक्का लगा सॉरी की बात नहीं है। अगर क्रिमिनल दृष्टि से देखा भी भूल हुई तो अब बाबा कहते बाइस्कोप, तो सारा ही क्रिमिनल दृष्टि हो गया, कितने बार क्रिमिनल दृष्टि होगी। तो इसलिए जो पक्के समझदार बच्चे हैं ना कभी भी नहीं देखेंगे कितना पाप कर्म इकट्ठा होता है। वैसे हम इतना योग कर रहे हैं, पुण्य कर्म इकट्ठा कर रहे हैं, और एक बहुत जिसको श्रीमत मिली है मजबूरी है वो अलग बात है, बट अदरवाइज अपनी खुशी से तो कभी नहीं ये कार्य करेंगे। बाबा कहते हैं तो वह अंदर खाता रहेगा, देह अभिमानी से कुछ न कुछ पाप जरूर होगा, वह अंदर खाता रहेगा। कोई तो समझते ही नहीं कि भूल किसको कहते हैं, जानवर समझते हैं क्या, समझते ही नहीं भूल किसको कहते हैं तो मतलब क्या हो गए ये जानवर समझते हैं क्या, तुम भी इस ज्ञान के पहले बंदर बुद्धि थे। इसलिए बाबा कहते हैं ना बंदर से मंदिर लायक बनाते हैं। अब कोई 50%, कोई 10-10%, कोई कितना चेंज होते। ये आंखें तो बहुत धोखा देने वाली है, सबसे तीखी है ये आंखें। बाप कहते तुम आत्मा शरीर आई थी, शरीर नहीं था क्या, अभी तुमको पता है कि दूसरा कौन सा शरीर लेंगे, किस संबंध में आएंगे, मालूम नहीं पड़ता। गर्भ में सुनी सुन रहते हैं, आत्मा बिल्कुल ही सुन हो जाती है, जब शरीर बड़ा हो तब पता पड़े। तो तुमको ऐसा बनकर जाना है, बस ये पुराना शरीर छोड़कर हमको जाना है, फिर जब शरीर लेंगे तो स्वर्ग में अपना पाठ बजाएंगे। सुन होने का अभी समय है, ब्लैंक अशरीरी सुन अवस्था। भल आत्मा संस्कार ले जाती है, जब शरीर बड़ा होता है तब संस्कार इमर्ज होते हैं। अभी तुमको घर जाना है, इसलिए पुरानी दुनिया का इस शरीर का भान उड़ा देना है, कुछ भी याद न रहे। परहेज बहुत रखना है, जो अंदर में होगा वही बाहर निकलेगा। शिव बाबा के अंदर में भी ज्ञान है, मेरा भी पार्ट है, मेरे लिए ही कहते ज्ञान का सागर है, महिमा गाते हैं ना, अर्थ कुछ नहीं जानते। अभी तुम अर्थ सही जानते हो, बाबा के लिए कहते ना ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर बोलते हैं, जो भी बोलते हैं उनको अनुभव है क्या जो बोल रहे हैं ज्ञान का सागर है, उसको पता है भगवान ज्ञान का सागर है, क्या प्रूफ है ज्ञान का सागर है। तो
प्रेम का सागर है, क्या प्रूफ है? मतलब ज्ञान अब पता चलता है ना बाबा की मुरलियों से, और प्रेम का सागर है। आत्मा में कितना भी कुछ हो जाए, शुभ भावना नहीं जाए, तब कहेंगे सागर है, प्रेम का सागर। कहीं इतना सा कुछ हो जाए तो तुरंत मन मोटा हो जाता है, ही नहीं, प्रेम की बूंदे है। तो बाबा इसलिए कहते हैं, महिमा गाते अर्थ कुछ नहीं जानते, अभी तुम अर्थ सहित जानते हो। बाकी आत्मा की बुद्धि ऐसे वर्थ नॉट अ पैनी हो जाती है। अब बाप कितना बुद्धिमान बनाते हैं, मनुष्य के पास तो करोड़ है, पदम है, ये माया का पॉम्प है ना। साइंस में जो अपने काम की चीजें वहां, वो वहां भी होगी, वह बनाने वाले वहां भी जाएंगे, राजा तो नहीं बनेंगे। यह लोग पिछाड़ी में तुम्हारे पास आएंगे, फिर औरों को भी सिखाएंगे। एक बाप से तुम कितना सीखते हो, एक बाप ही दुनिया को क्या से क्या बना देते हैं। इन्वेंशन हमेशा एक निकालते हैं फिर फैलाते हैं। बॉम्ब्स बनाने वाला भी एक था, समझा इनसे दुनिया विनाश हो जाएगी, फिर और बनाते गए। फादर ऑफ द न्यूक्लियर कौन था? हाँ, ओपन ओपन। तो बाबा कहते फिर समझा इनसे विनाश हो जाएगी, फिर और बनाते गए। ऐसे उसने तो बंद कर दिया था। बंद कर दिया यार। अच्छा, ओके, उसने मतलब बंद कर दिया था गीता। हाँ, विनाश होना है। तो वहां भी साइंस तो चाहिए ना, टाइम पड़ा है, सीख कर होशियार हो जाएंगे। बाप की पहचान मिल गई, फिर स्वर्ग में आकर देखो, उन आत्माओं को बाप की पहचान मिल गई, ये बॉम्ब्स बनाने वाले, फिर साइंस वाले, फिर स्वर्ग में आकर नौकर चाकर बनेंगे। मतलब यूज तो करेंगे ना राजा के लिए साइंस की चीजें, मंत्री नहीं बन सकते, एडवाइजर्स। हाँ, एडवाइजर्स वैसे नहीं चाहिए, पर राजा बन नहीं सकते, पुरुषार्थ किया नहीं है, उनकी टैलेंट्स यूज किया जाएगा, इसलिए नौकर चाकर है। तो बाबा कहते हैं वहां सब सुख की बातें होती है, जो सुखधाम में है वो फिर होगा, वहां कोई रोग दुख की बात ही नहीं। यहाँ तो अपरम अपार दुख है, कांटा भी नहीं चुभेगा कभी, इतना सा भी दुख नहीं। चलते चलते इतना सा पैर मुड़ जाए, दुख की लिस्ट में ना ये दुख की लिस्ट निकाल, वो नहीं, उसने मुझे गुस्सा किया, क्रोध किया, वो तो ये मुड़ भी जाए, इतना सा भी दुख नहीं। अभी हम ये स्थापन कर रहे हैं, दुख हर्ता सुख हर्ता एक बाप ही है। पहले तो खुद की भी ऐसी अवस्था चाहिए, सिर्फ पंडिता ही नहीं चाहिए। ऐसे एक पंडित की कथा है, बोला राम नाम कहने से पार हो जाएंगे, ये इस समय की बात है। तुम बाप की याद में विषय सागर से क्षीर सागर में चले जाते हो। यहाँ तुम बच्चों की अवस्था बड़ी अच्छी चाहिए, योग बल है नहीं, क्रिमिनलाइज है। तो फिर वो आत्मा अगर ज्ञान सुनाएगी भी, उनका तीर लग नहीं सकता। आत्मा को करंट देना है ना, इसके लिए सिविलाइज्ड चाहिए, ज्ञान सुनाने वाला, आंखें संपूर्ण सिविल चाहिए। सिविल राजपन, सिविल ये आत्मा है, ये आत्मा है, ये आत्मा बोल रही है। उसके लिए रेगुलर जो हमारे है ना घर में, उनके लिए अगर आत्मिक दृष्टि फील होगी ना, तो फिर क्योंकि उनके लिए बहुत बार होगी, अगर जिनके साथ रेगुलर वहां अगर ये प्रैक्टिस हो जाए, तो फिर बाद में तो कभी कभी आने वाले आत्मा है, वो तो बहुत ईजी है। तो बाप की याद में रह किसको ज्ञान देंगे तो तीर लग जाएगा। ज्ञान तलवार में योग का जौहर चाहिए। नॉलेज से धन की कमाई होती है, ताकत है याद की, बहुत बच्चे तो बिल्कुल
याद ही नहीं करते, ऐसा तो कोई नहीं है ना। पांच स्वरूप किया चाहे कम किया, किया बिल्कुल याद नहीं करते। पांडव कल बाबा को पूरे दिन में याद किया, कल पूरे दिन। वो तो है अमृत वेले का तो एक नियम है। अच्छा तो किया पांडव दीपक भाई कल पूरे दिन में। जहां भी जाते हैं वहां एक बाबा की वो सिंबल होना ही चाहिए, तब ऑटोमेटिकली याद आएगी। लोग इसलिए तो फोटोज लगाते बच्चों की, फैमिली के सामने सामने क्यों लगाते, उसकी याद रहेगी। तो ज्ञान तलवार में योग का जौहर चाहिए। बाप कहते हैं मनुष्य को समझाना है, यह है दुख धाम, सत्युग है सुख धाम। कलयुग में सुख का नाम ही नहीं है, अगर है तो भी काग विष्ठा के समान है, उस समय लग रहा होता है। सत्युग में तो अपार सुख है, मनुष्य अर्थ नहीं समझते, मुक्ति के लिए माथा मारते रहते। जीवन मुक्ति को तो कोई जानते ही नहीं है, तो ज्ञान भी दे कैसे सकते। वह आती है रजो प्रधान समय में, वो फिर राजयोग कैसे सिखलाएंगे, जो भी गुरु सन्यासी आदि है। यहाँ तो सुख है काग विष्ठा समान, मालूम है ना काग विष्ठा क्यों बोलते हैं? काग का जो भोजन ही विष्ठा है। हाँ तो विष्ठा का इसलिए ये तरह की कॉरोलरी बोला है यहाँ के सुख। ऐसे सुख का वो सुख, राजयोग से क्या हुआ था ये भी नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो ये सब, ये भी सब ड्रामा चल रहा है। अखबार में भी तुम्हारी निंदा लिखते हैं, ये तो होना ही है। अबलाओं पर किस्म किस्म के सितम आते हैं, दुनिया में अनेक दुख है। अभी कोई सुख है थोड़ी, भल कितना बड़ा साहूकार है, बीमार हुआ अंधा हुआ तो दुख होता है ना। दुखों की क्या करना है आज होमवर्क लिस्ट निकाल, दुखों की लिस्ट, मैपन की लिस्ट के साथ दुखों की लिस्ट, ये सारी। तो ये सब दुख है, चलते चलते थोड़ा मुड़ गया वो तो चलो विजिबल दुख है, उसमें तो वैसे ही गुस्सा आता है इरिटेशन होता, लेकिन वेट करना पड़ा, मैसेज नहीं आया, अंदर बेचैनी हुई, ये सब क्या है? दुख नहीं है ना उन, क्योंकि इतने बड़े बड़े दुख है जो सोचते ये तो कुछ है ही नहीं। बाबा कहते दुखों की लिस्ट सब लिखो, रावण राज्य कलयुग में अंत में ये सब बातें हैं। सत्युग में दुख की बातें ही नहीं है, एक भी नहीं होती। सत्युग तो होकर गया है ना, अभी ये संगम युग, बाप भी संगम पर ही आते। अभी तुम जानते हो 5,000 वर्ष में हम क्या क्या जन्म लेते हैं, कैसे सुख से फिर दुख में आते हैं। जिनको सारा ज्ञान बुद्धि में है, धारणा है, वह समझ सकते हैं। बाबा ने कल था ना मुरली में, परसों, धारणा और समझ किसको होगी क्वेश्चन था। हाँ जिन बच्चों ने ऑलराउंड पार्ट बजाया है, तो आज बाबा ने कहा जिनको सारा ज्ञान बुद्धि में है, बुद्धि में है, धारणा है, वह समझ सकते। बाप तुम बच्चों की झोली भरते, गायन भी है, धन दिए धन ना खूटे, धन दान नहीं करते तो गोया उनके पास है ही नहीं, तो फिर मिलेगा भी नहीं। जो देंगे वो जमा हो जाएगा, और जो जमा होगा वो मुझे मिलेगा, जमा होगा ही नहीं तो मिलेगा कैसे, हिसाब है ना। देते ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से, वृद्धि कहाँ से होगी। ये सब है अविनाशी ज्ञान रत्न, दोनों बातें हैं, मिलेगा भी वृद्धि भी होगी। तो मिलेगा वो तो जमा हो गया सत्ययुग में, वृद्धि
देने से सुख मिलता है, क्योंकि कितनी आत्माओं को सुख पहुंचाते तो वो आत्मा सुखी बनती है। और फिर जब दिया वो हिस्सा तो मेरा वैसा भी है ना, भगवान ने मुझे दिया था कि ये पूरा फ्लैट तुम एंजॉय करो, हिस्सा है मेरा, पर मैंने भगवान को दे दिया, बाबा को दे दिया, तो मेरा हिस्सा तो वैसे भी रहेगा, वापस आएगा या नहीं आएगा। कहते हैं ना भाग्य कहीं नहीं जाएगा, किसी न किसी रूप। तो सुख भी दिया और वृद्धि भी हो गई, अब दो फ्लैट हो गए, ये है बाबा कहते। तो इसलिए बाबा ने कहा देंगे नहीं तो मिलेगा नहीं, और दूसरा वृद्धि कहाँ से होगी। ये सब है अविनाशी ज्ञान रत्न, नंबर वार तो हर बात में होते हैं, ये भी तुम्हारी रूहानी सेना है। कोई रूह जाकर उच्च पद पाएगी, कोई रूह प्रजापद पाएगी, जैसे कल्प पहले पाया था। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे रूहानी बच्चों को, नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार, बाप दादा व मात पिता का दिल व जान, सिख व प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप बापी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। गुड मॉर्निंग, शुक्रिया सिख बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। हाँ का मतलब है सिख व प्रेम से, दिल व जान से, और सिख व प्रेम से। सिख मतलब वही बहुत प्यार, सिकी लदे नहीं बोलते हैं तो प्यार इसलिए प्यार वो बंद करो बात, आपकी वहां डबल हो जाए। अच्छा, धारणा के लिए सारे अपनी संभाल करने के लिए, इधर कोई नहीं चल रहा है, वहां आपको बंद करना। कदम कदम पर जांच करनी, आज मुझ आत्मा की वृत्ति कैसे रही, जांच करनी है। पहला, आज मुझ आत्मा की वृत्ति कैसे रही, आंखें सिविल रही, ये तीन चीज जांच करनी है। देहाभिमानवश कौन सा पाप हुआ, दूसरा है बुद्धि में अविनाशी ज्ञान धन धारण कर फिर दान करना है। ज्ञान तलवार में याद का जौहर जरूर भरना है, ज्ञान तलवार में याद का जौहर के लिए बाबा ने बताया था, जब समझाओ ये समझो ये आत्मा को बोल रही, आत्मा समझ के ज्ञान देना, ये करंट देना होता है, वरदान है। सत्यता की अथॉरिटी को धारण कर, सर्व को आकर्षित करने वाले निर्भय और विजयी भव। आप बच्चे सत्यता की शक्तिशाली श्रेष्ठ आत्माएं हो, सत्य ज्ञान, सत्य बाप, सत्य प्राप्ति, सत्य याद, सत्य गुण, सत्य शक्तियां सब प्राप्त है। इतनी बड़ी अथॉरिटी का नशा रहे तो ये सत्यता की अथॉरिटी हर आत्मा को आकर्षित करती रहेगी। झूठ खंड में भी ऐसी सत्यता की शक्ति वाले विजयी बनते हैं। सत्यता की प्राप्ति खुशी और निर्भयता है। सत्य बोलने वाला निर्भय होगा, उनको कभी भय नहीं हो सकता। स्लोगन है
वायुमंडल को परिवर्तन करने का साधन है, पॉजिटिव संकल्प और शक्तिशाली वृत्ति। पॉजिटिव संकल्प और शक्तिशाली। अच्छा, एक ही तरीका है वायुमंडल को चेंज करने का, बार बार श्रेष्ठ संकल्प करो और शक्तिशाली। ये ठीक नहीं है, बार बार संकल्प करो। बहुत अच्छा है, बहुत ऑनेस्ट है, बहुत ऑनेस्ट, जो भी उसका गुण है। 11 तारीख, जैसे बाप की महिमा में विशेष रहम दिल का गुण गाया जाता है, चाहे देश में चाहे विदेश में, बाप के आगे जाएंगे तो रहम दिल मर्सीफुल कहेंगे, तो आप सभी भी मास्टर रहम दिल हो। ऐसे रहम दिल बन सब पर उपकार करो। मास्टर रहम दिल मर्सीफुल। मर्सी अर्थात कमजोरी, कमजोर आत्माओं को समझ के उनको शक्ति देना, उसको कहेंगे मर्सी। मर्सी करो, रहम करो, रहम मांगते हैं ना, आपकी गुड विशेस। रहम मतलब क्या? आपकी दया, मतलब सहयोग और गुड विशेस मिलता रहे, उसको कहेंगे रहम। ओके, उसमें बाबा ने बहुत अच्छी बात कही थी कि कमजोरी और खामी, भूल करी ना, दादी हमेशा कहती है कि खामी और कमजोरी, अगर खामी मतलब डिफेक्ट, उसका जैसे डिफेक्टेड होता है ना, उसका पहले ही उसकी 50% ऑफ कट, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। और कमजोरी वो धीरे धीरे, कभी कभी खामी नहीं होती लेकिन कमजोरी होती, जैसे कुछ हो जाता है सर्जरी या फीवर से, उसके बाद ठीक, शरीर ठीक है, फीवर नहीं है लेकिन कमजोरी है, तो जो कमजोरी होती है ना वो बहुत समय चलती है, खामी तो उस समय डिफेक्ट भूल हो जाती। तो उसके लिए जो बाबा ने कहा संभाल करो, केयर, केयर करना कहते हैं ना, पोस्ट सर्जरी केयर, वीकनेस। ओके जी, चलो आज बाबा को भोग लगाते हैं हमारे। आओ रमेश भाई, 2-5 मिनट मिलो।